कैसे संभाला? और ये जिम्मेदारियां तो बड़ी हैं, तो बड़े ना देखिए, जो आकाश है ये मेरा भतीजा है और इसके दूसरी पुत्री हुई है। इसने समाज को ये संदेश दिया है कि लड़का अगर भाग्य से होता है तो लड़कियां सौभाग्य से होती हैं। यानी कुल मिला के ये देखिए कि कुछ लोग लड़कियों को बोझ समझते हैं, कुछ भ्रूण हत्या होती है, ये सब चीज नहीं होनी चाहिए। समाज में ये जागरूकता होनी चाहिए कि लड़कियां जो है लड़कों से बेहतर है। तो क्या इनने तरीके से क्या क्या तैयारी की थी? इन्होंने देखिए विंटेज कार बुलाई है जो कि दिल्ली वगैरह से आती है, प्लस फूल वगैरह और आतिशबाजी वगैरह की है, और बैंड बाजों से गए नाचते हुए घर तक के लिए ले जा रहे हैं। ये कहाँ से शुरू किया और कहाँ तक पहुँचे? ये चुंगी चौराहे से शुरू किया है और इनका राय वाली गली में इनका घर है, वहाँ तक ये प्रोग्राम चलेगा। जी मन में इस तरह से ख्याल आया आपके चैनल के माध्यम से, मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि आज के युग में बेटी बेटों से बढ़ के है। अगर घर में पुत्र हुआ है तो अच्छी बात है, लेकिन पुत्री हुई है तो खुशी मनानी चाहिए सबको मिलके, हर्षोल्लास से उसका स्वागत करना चाहिए। आसपास के लोगों को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग ऐसे मातम मनाते हैं या फिर उदास होते हैं, मायूस होते हैं, तो वो ना हो। बेटियां घर की लक्ष्मी है, बेटी सौभाग्य से मिलती है। आप सभी से मेरा निवेदन है जो भी इस बिट को देख रहे हैं कि सब लोग बेटियों का भरपूर वेलकम करें, स्वागत करें, और सबसे यही आशा है कि बेटी लक्ष्मी है और उसको लक्ष्मी माने। धन्यवाद।